बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके अगर इसके कोफिशिएंट को इस ए प्लस इस ब्रैकेट को अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो देखते हैं क्या होता है। ब्रैकेट एक्सपेंड करके ई एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन रेज़ टू द पावर एन, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट से एक्सपेंड अगर कहेंगे तो क्या होता है, पहला टर्म ए रेज़ टू द पावर एन होता है तो वन रेज़ टू द पावर एन वन हो जाएगा, बी रेज़ टू द पावर जीरो ए एन बी जीरो तो वन बाई एन पर पावर जीरो वन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर पहला टर्म वन होगा। दूसरा टर्म यहाँ एन सी जीरो होता है फर्स्ट कोफिशिएंट एन सी जीरो, एन सी जीरो इज इक्वल टू वन, हम लोग एन सी आर इज इक्वल टू फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। कोफिशिएंट एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू इस तरह से कोफिशिएंट आता है और एन सी आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम लोग लिखेंगे अभी नहीं लिखने वाले हैं, बस कोफिशिएंट यहीं से गवर्न हो रहा है। पहला टर्म वन हुआ, दूसरा टर्म होता है एन सी वन और एन सी वन का वैल्यू एन आ जाता है तो एन बाय वन फैक्टोरियल और ये वन वन पर पावर एन माइनस वन और वन बाय एन पर पावर वन प्लस एन सी टू, एन सी टू का हो जाएगा एन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल वन पर पावर एक और माइनस होगा एन माइनस टू वन बाय एन पर पावर टू प्लस एन सी थ्री एन सी थ्री एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल वन पर पावर एन माइनस थ्री वन बाय एन पर पावर थ्री प्लस एक्स वन प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू वन थ्री टू वन बाय एन फैक्टोरियल टाइम्स वन रेज़ टू द पावर जीरो एंड वन बाय एन पर पावर एन वन बाय एन पर पावर एन इस तरह से हो जाएगा। अब अगर इसको कैंसिल करा जाए वन पर पावर जितना है वो तो वन ही रहने वाला है, ये जो वन बाय एन है और एन ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वन बाय एन स्क्वायर है और एन स्क्वायर ये एन स्क्वायर है तो यहाँ भी दो टर्म है एन और एन माइनस वन, इन दोनों के साथ अलग अलग एक एन इसके साथ तो लेकिन इसके साथ एक एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा लेकिन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से वन बाय एन क्यूब यहाँ है तो इन तीनों के साथ अलग अलग कर दिया जा सकेगा, वन बाय एन रेज़ टू एन यहाँ है तो सबके साथ अलग अलग चूंकि यहाँ भी एन टर्म्स ऊपर में है और ये नीचे में एन फैक्टोरियल है इसको एजिटी रहने दिया जाए। तो इस तरह से ई एन इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है बाइनोमियल से एक्सपेंड करने के बाद वन प्लस वन प्लस पहला टर्म वन दूसरा टर्म वन यहाँ वन है ये कैंसिल होकर के वन बन रहा है वन बाय टू फैक्टोरियल एन एन यहाँ देखिए अगर इसको अगर वन बाय एन से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों की इसके के अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो एन को एन से डिवाइड करने पर वन हो जाएगा और माइनस वन बाय एन तो वन माइनस वन बाय एन यहाँ आ रहा है वन माइनस वन बाय एन वन माइनस वन बाय एन प्लस वन बाय थ्री फैक्टोरियल वन माइनस क्या आता है देख लेते हैं एक बार यहाँ वन माइनस ये एन क्यूब है एक एन को कैंसिल करेगा फिर एक वन माइनस वन बाय एन एंड वन माइनस टू बाय एन वन बाय थ्री फैक्टोरियल नीचे में आ रहा है वन बाय थ्री थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन बाय एन वन माइनस टू बाय एन प्लस एंड सो ऑन और लास्ट टर्म में यहाँ पर आ रहा है क्या ये एन इन सब के डिनोमिनेटर में अगर आएगा तो वन माइनस वन बाय एन वन माइनस टू बाय एन वन माइनस थ्री अप टू सो ऑन ये वन बाय एन लास्ट टर्म होगा तो वन बाय एन फैक्टोरियल वन माइनस वन बाय एन वन माइनस टू बाय एन अप टू सो ऑन वन बाय एन। अब वन बाय एन को लिखने का वन माइनस का जो पैटर्न है इस पैटर्न में लिखने का तरीका होगा वन माइनस एन माइनस वन बाय एन। अब देखिए यहाँ वन टू थ्री अप टू सो ऑन एन माइनस वन तक ये इंक्रीज किया और पैटर्न में आ गया। अब जब इस पैटर्न में ई एन लिख दिया गया है तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ई एन प्लस वन को भी लिखा जा सकता है, ई एन प्लस वन को इंडिपेंडेंटली वन प्लस वन बाई एन इज टू एन प्लस वन ऐसे ई एन इज प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन यहाँ बाइनोमियल लगा के बाइनोमियल से एक्सपेंड करके भी लिखा जा सकता है और क्योंकि एक अच्छा पैटर्न मिल गया है इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हुए भी लिखा जा सकता है हम लोग पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर लिख देते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आप चाहें
तो बैनर मिल्स एक्सचेंज करके चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1 माइनस, अब ई एन है तो 1/n चल रहा है, तो 1/n + 1 होगा, क्योंकि ई एन प्लस वन है, तो 1/n + 1 + 1/3 फैक्टोरियल, या 1 - 1/n + 1 × 1 - 2/n + 1 + एंड सो ऑन, प्लस या 1/n फैक्टोरियल क्या हो गई है, 1/n फैक्टोरियल 1 - 1/n + 1 1 - 2/n + 1 एंड सो ऑन 1 -, अब n + 1 नीचे मारा है, ये आ जाएगा n1 - क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 - n - 1/n + 1 n + एंड सो ऑन। अब एक और टर्म इसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि ई एन है तो ई एन में 1 + 1/n का मतलब 1 + 1/n/n इसको एक्सपेंड किए तो n+1 टर्म मिले थे, और वो मिल भी रहा है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है ना, तो 2 फैक्टोरियल जब आ रहा है तो ये तीसरे टर्म में आ रहा है, 3 फैक्टोरियल चौथे टर्म में आ रहा है, तो n फैक्टोरियल आ रहा है तो n+1 टर्म में आएगा। इस तरह से इसमें n+1 के लिए n+1 टर्म आनी चाहिए, अब तक n+2 टर्म्स आने चाहिए, n+1 है तो n+2 टर्म्स आने चाहिए, अब तक n+1 टर्म आ गया, एक और टर्म आना है, एक और टर्म, वो टर्म होगा 1/n+1 फैक्टोरियल 1 - 1/n+1 1 - 2/n+1 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा लास्ट टर्म, इसमें जो बनेगा 1 माइनस, एक टर्म यहाँ आगे बढ़ेगा, n - 1, तो अब n 1 - n/n+1 फैक्टोरियल, इसमें एक टर्म और, एक टर्म और ऐड करेंगे तो n+1, तो +1 करेंगे तो n आ जाएगा, n+1 यहाँ तक आ गया। इस चीज़ को आप कहीं अगर थोड़ा किसी कंफ्यूजन हो तो आप बाइनोमियल थ्योरम, अगेन जो बाइनोमियल थ्योरम ई एन को फाइंड करने के लिए लगाया गया वही बाइनोमियल थ्योरम फिर से लगा करके इसको कैलकुलेट करके ये चीज़ देख सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों को एनालाइज करें, ई एन और ई एन प्लस वन को, तो पहला टर्म दोनों में सेम है, दूसरा टर्म सेम है, मतलब, और ये जो है ई वन है, अगर ई वन हम देखें, लिख कर देखते हैं ई वन क्या हो रहा है, तो ई वन इज इक्वल टू 1 + 1 रेज टू द पावर 1, 1/1 1 हो जाएगा, तो ई वन है 1 + 1, तो पहला टर्म ई वन है, और ई टू क्या है, 1 + 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 1 + दूसरा टर्म 2ab से, और 1/4, तो दिस इज 1 + 1, दिस इज 1 + 1 + समथिंग, और ये चीज यहाँ ई एन और ई एन प्लस वन में भी बहुत क्लियर दिख रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ई एन में पहला दोनों टर्म सेम है, अब तीसरे टर्म में ई एन और ई एन प्लस वन में जनरल आ रहा है, तो तीसरे टर्म में 1/2 फैक्टोरियल से दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और साथ में जो टर्म है यहाँ क्या, ऊपर में ई एन के लिए 1 - 1/n अगर, और यहाँ 1 - 1/n+1, तो जो टर्म माइनस हो रहा है वो टर्म ऊपर वाले में ग्रेटर है, 1/n > 1/n+1, तो यहाँ जो, और 1 से समथिंग माइनस हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये 1 - 1/n > 1 - 1/n+1, ये स्मॉलर हो गया ना, 1 - 1/n ये स्मॉलर देन इस टर्म से हो गया, तो इस तरह से ये हो रहा है कि ई एन प्लस वन का जो कुछ टर्म इक्वल है, कम से कम लेस देन और इक्वल है ई एन का टर्म ई एन प्लस वन से, और साथ में ई एन में, ई एन प्लस वन में एक और एक्स्ट्रा टर्म यहाँ आ रहा है, ये लास्ट में टर्म 1 - 1/n+1 फैक्टोरियल, और ये जो भी हो समथिंग पॉजिटिव नंबर जुट रहा है, तो कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि ई एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ई एन, तो इस बात को लिखते हैं कैसे, तो ई ई वन टू हुआ था इज लेस देन और इक्वल टू ई वन, ई वन एक्चुअल में इक्वल है, ई वन इज लेस देन और इक्वल टू टू, ई वन इज लेस देन ई टू इज लेस देन एंड सो ऑन, इज लेस देन ई एन इज लेस देन ई एन प्लस वन एंड सो ऑन, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन से बहुत क्लियर दिख गया, और जब ये चीज दिख रहा है तो इसमें ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रहा है, एक तो अच्छी बात अब तक मिल गया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, और
इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोन सीक्वेंस नाम देते हैं। तो ये एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और मोनोटोन सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कन्फर्म करने के लिए बहुत अच्छा सा थ्योरम है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहता है अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। फर्दर इफ एक्स इक्वल टू सीक्वेंस एक्स एन इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस देन लिमिट एंड टेंड्स टू इट्स सीक्वेंस एक्स एन लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन इज सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, दैट इज सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ रेंज, रेंज सेट का सुप्रीमम। और इफ सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग देन इनफिमम ऑफ रेंज सेट। तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो जो लिमिट होगा, अगर बाउंडेड हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट होगा, और लिमिट क्या होगा तो रेंज सेट का सुप्रीमम होगा। तो अब लिमिट अगर कन्वर्जेंट हुआ तो कैलकुलेट करना आसान हो गया, रेंज सेट देखना और सुप्रीमम देखना रह जाएगा केवल, और कन्वर्जेंट है या नहीं ये कन्फर्म करने के लिए बाउंडेडनेस, वन वे बाउंडेड है अदर वे बाउंडेड देखना है, क्योंकि है ना ये यहाँ पर देखिए टू इज लेस देन इक्वल टू ई वन, सारे टर्म टू से ग्रेटर और इक्वल है तो वन वे तो बाउंडेड है, अदर वे केवल चेक करना है कि अदर वे बाउंडेड है सिक्वेंस, और अदर वे बाउंडेड अगर सिक्वेंस बाउंडेड हो जाए तो फिर इससे ये सिक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब इसमें अदर वे बाउंडेड है या नहीं कोशिश करते हैं, कैसे करें तो सीक्वेंस के टर्म्स को एनालाइज करते हैं किस तरह से आ रहा है। अब जनरल टर्म ई एन को ई एन और ई एन प्लस वन, ये तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है ये देखने के लिए हम लोगों ने इसको किया है। अब ई एन प्लस वन का बहुत खास रोल नहीं है, केवल ई एन से हम लोग ई एन जनरल टर्म है सीक्वेंस का, तो यहाँ से काम करते हैं ई एन को एक बार फिर से यहाँ नोट करते हैं ई एन क्या है, इसे एनालाइज करने में आसानी होगा। वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल वन माइनस वन बाई एन है ना, प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन बाई एन वन माइनस टू बाई एन प्लस एंड सो वन प्लस लास्ट वन बाई एन फैक्टोरियल वन माइनस देख लेते हैं वन माइनस वन बाई एन वन माइनस टू बाई एन वन माइनस वन बाई एन वन माइनस टू बाई एन एंड सो ऑन वन माइनस एन माइनस वन बाई एन, यही चीज़ है। अब यहाँ पर इसमें जो किस तरह की चीज़ें हैं, एक है कि वन माइनस वन बाई एन वन माइनस वन बाई एन वन माइनस टू बाई एन, और एक है वन बाई टू फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल और वन माइनस इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब यहाँ देखते हैं एक चीज़, इफ p इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू n, वन माइनस पी बाई एन इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन वन, है ना। देखिए कि अगर ये नंबर n ग्रेटर देन वन हो जाए, केवल ग्रेटर देन वन हो जाए तो दिस इज समथिंग विच इज लेस देन वन, और वन से समथिंग माइनस होगा तो वन से समथिंग माइनस होगा तो दिस होल थिंग पूरा ब्रैकेट एक से छोटा है, वन माइनस वन बाई एन, ये ब्रैकेट भी वन से छोटा होगा, ये ब्रैकेट भी वन से छोटा होगा, जब तक कि जो न्यूमरेटर है वो एन से ग्रेटर और इक्वल हो जाए, इक्वल पर भी नहीं होगा ग्रेटर हो जाए तब, इक्वल पर भी ये एन बाई एन कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो जब तक न्यूमरेटर ग्रेटर ना हो जाए तब तक ये होल ब्रैकेट वन से लेस रहेगा, ये एक चीज नोटिस किया हमने। अब एक और चीज नोटिस करते हैं यहाँ पर, क्या कि टू रेज़ टू द पावर पी माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू पी फैक्टोरियल, एक्चुअल में इसे प्रूफ किया जा सकता है, ये होल्ड कर रहा है, इस चीज को हम लोग नोटिस कर लेते हैं। प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वो हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, इसे प्रूफ किया जा सकता है मैथमेटिकल इंडक्शन से, ये होल्ड कर रहा है ये तो अभी दिखा देते हैं कि बहुत क्लियरली कि हाँ दिल पर होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं टू रेज़ टू द पावर पी माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू पी फैक्टोरियल, तो अगर पी इज इक्वल टू जीरो तो टू रेज़ टू द पावर जीरो इज लेस देन और इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल, ये वन इक्वलिटी होल्ड किया, पी इक्वल टू वन, अच्छा पी इक्वल टू वन के लिए ही ये किया था ना, पी इक्वल टू वन के लिए हम लोग पी इक्वल टू वन टू प्लेन देख रहे हैं, पी इक्वल टू टू के लिए यहाँ वन और यहाँ टू फैक्टोरियल, तो यहाँ भी इक्वलिटी होल्ड किया टू के लिए, अब थ्री के लिए तो टू स्क्वायर दिस इज लेस देन और इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल, टू स्क्वायर इज फोर, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, क्यों होगा कि आप टू पर पावर कर रहे हैं तो यहाँ केवल टू पर पावर हो रहा है, जबकि यहाँ देखिए एक बार फिर से एक और नंबर देखते हैं, फिर टू रेज़ टू क्यूब
और यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर 2 रेटर 4, और यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ तो एक नंबर केवल है जो 1 है, बाकी सारे नंबर 2 3 4 5 6 इस तरह से आएगा। तो ये जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ये राइट हैंड साइड का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगा थ्रू आउट। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अच्छा, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, यहीं पर दिस इम्प्लाइज 1/p factorial इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p factorial इज लेस देन और इक्वल टू 1/2p raised to 2 raised to p-1। तो अब यहाँ पर हम लोग करने ये बातें हैं कि इस ई एन को इनक्रीज कर देते हैं, ये ई एन, तो ये जो ई एन है ई एन के राइट साइड को इनक्रीज कर देते हैं। अगर ई एन के राइट साइड को इनक्रीज कर देंगे तो ई एन लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार ई एन को कॉपी करने के बजाय, कॉपी करने का ऑप्शन होता तो बेटर रहता, 1 plus 1 plus 1 by 2 factorial 1 minus 1 by n plus 1 by 3 factorial 1 minus 1 by n plus 1 by n factorial 1 minus 1 by n plus and so on plus 1 by n factorial 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n so on 1 minus n minus 1 by n। ये चीज है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल्स 1 plus 1 plus 1 by 2 factorial। यहाँ जो इनक्वालिटी है कि 1/2 factorial को से ग्रेटर नंबर, अगर ग्रेटर नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो लेस देन और इक्वल को इक्वलिटी में इनक्वालिटी मिल जाएगा, तो 1/2 raised to p-1। तो इसको लेस कर देते हैं 1/2 raised to p-1, पी क्या है 2, तो p-1 1, और इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 1 से इसको इंक्रीज रिप्लेस कर देते हैं, इसको होल ब्रैकेट को भी इंक्रीज कर दिया, तो कुल मिलाकर ये राइट साइड इंक्रीज कर रहा है प्लस 1 बाय इसको 1/2 raised to the power 2 प्लस 1/3 2 raised to the power 3 अगले टर्म में अगर जाएंगे तो प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 raised to the power n-1। और ये सारे ब्रैकेट वाले टर्म को 1 1 1 से रिप्लेस कर दिया गया। एंड नाउ यहाँ से अब देखिए कि ये फर्स्ट टू इन दोनों टर्म को अगर अलग कर ले, 2 प्लस अब 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 plus and so on 1/2 raised to the power n-1। ये यहाँ से यहाँ तक ये सब एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज। और सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज लिखने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल होता है, और उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अगर सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज लिख दिया जाए, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर सब कुछ ऑन ए आर एन इस तरह से होता है। अच्छा इस तरह से तो 1 plus r plus r square प्लस अप टू सो ऑन आर ए टू डिवर एन, इस स्थिति में क्या होता है 1 minus r n plus 1 by 1 minus r। तो हम लोगों का ये फॉर्मूला तो इसी स्टेज में आ रहा है, अगर यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लिया जाए 2 plus 1/2 1 plus 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 raised to the power n-2 यहाँ तक आ जाएगा। और अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो ये हो जाएगा 2 plus 1/2 times कितना 1 minus r raised to the power n-1। तो 1 minus r क्या है 1/2 1/2 power n-1, और n minus 2 पहले से है तो n-2 plus 1 to n-1 ये भरेड बाय 1 minus 1/2, ये 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 plus ये 1/2 2 plus 1 minus 1/2 raised to the power n-1 है ना। और अब इसको लिख दिया जाए 1 plus 2 3 minus 1/2 raised to the power n-1। और दिस होल थिंग n के किसी भी वैल्यू के लिए 3 में से समथिंग माइनस हो रहा है, तो हेंस En is less than or equal to 3 for all n belongs to n के लिए, and thus 2, तो यहाँ सबसे छोटा वैल्यू था 2 is less than or equal to En is less, actual में यहाँ पर strict inequality मिला है, strict भी नहीं, हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा सा, for all n belongs to n। तो अब इस तरह से ये sequence
बॉन्डेड तो हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बॉन्डेड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूव हो गया। जब कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया तो लिमिट की बात की जाती है ना, ये सीक्वेंस है एन इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन टू टेन, तो इसे हम लोगों ने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड मोनोटोन इंक्रीजिंग बाउंडेड प्रूफ किया, और मोनोटोन इंक्रीज बाउंडेड से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया। लिमिट क्या होगा इस सीक्वेंस का, यहाँ देखते हैं तीन चार टर्म से कुछ लिमिट का कोई आइडिया मिलेगा। ई वन इज टू, ई टू इज टू प्लस वन बाई फोर, दैट इज ना हो जाएगा ई वन इज इक्वल टू टू, ई टू इज इक्वल टू टू प्लस वन बाई फोर टू पॉइंट टू फाइव, ई थ्री अगर करें तो यहीं पर प्लस समथिंग एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वो समथिंग एक्स्ट्रा क्या होता है तो ई थ्री ई फोर ई फाइव करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये कुछ सेवन वन इस तरह के नंबर पर ये लोग ये पहुँचना शुरू करता है। और ये जिस नंबर पर पहुंचेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, और उस नंबर को ये सिंबल दिया गया है ई, और इसे यूलर नंबर नाम दिया गया है। वी डिफाइन नंबर ई टू बी द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, हेंस यहां लिखते हैं हेंस कन्वर्जेंस बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। एंड वी डिफाइन द नंबर ई एंड वी हेंस देयर इज लिमिट एंड वी डिफाइन द नंबर ई टू बी द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस तो इस तरह से ये कंक्लूड हो गया। ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ई थ्री ए फोर ए फाइव 10, 15, 20, 25 जितनी भी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट करनी है ए 50, ए 100 कैलकुलेट करके, कैलकुलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कैलकुलेट करके उतना नियरेस्ट उतना अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है इसको। और इस नंबर को द नंबर ई द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज नोन एज यूलर नंबर, और यूलर नंबर क्या होगा दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी वन प्लस वन बाय एन रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई, दिस इज यूलर नंबर। तो इस तरह से इस सीक्वेंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ।